नमस्कार दोस्तों, ऐसा कि आपको पता ही होगा कि आज देश के करोड़ों दलितों में राजनीति की अलख जगाने वाले एवं करोड़ों दलितों के मसीहा मान्यवर साहब कांसी राम जी का 16वां परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आपको बता दें कि तमाम बहुजन समाज के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी मौके पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मान्यवर साहब कांसी राम जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आपको बता दें कि ट्विटर पर भी उन्हें आपको बता दें कि नमन उन्होंने किया है। इसी के साथ कुछ बातें चंद्रशेखर आजाद ने शेयर की हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि बहुत लंबे समय से हम सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और न्याय नहीं पा पा रहे हैं। इन हथकड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। इसके अलावा भी उन्होंने लिखा है कि जब जब कोई दलित संघर्ष मनुवाद को अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सामने आता है, तब तब ब्राह्मण वर्चस्व राजनीति दल उनके दलित नेताओं को सामने लाकर आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। और भी आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे और हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी, तब तक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं है। राजनीतिक शक्ति सफलता की कुंजी है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी लिखा है कि हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। तो आपको बता दें कि जो मान्यवर साहब कांसी राम जी के विचार थे, उन्हीं विचारों को आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर शेयर किया है। तमाम देश के करोड़ों युवा और आपको बता दें कि पूरा दलित समाज आज आपको बता दें कि मान्यवर साहब कांसी राम जी को याद कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर दलितों के लिए किसी ने संघर्ष किया है तो वो मान्यवर साहब कांसी राम थे। मान्यवर साहब कांसी राम जी का यह मानना था कि अगर इस देश में बहुजन हक अधिकार के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सत्ता पाना होगा, कि सत्ता ही आपको बता दें कि दलितों के भविष्य का ताला खोल सकती है, ऐसा उनका मानना था। आपकी क्या राय है? आप भी जरूर मान्यवर साहब कांसी राम जी के 16वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद करें, उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन और फूल अर्पित करें। धन्यवाद।